तो कैसे आप सब, आई होप यू गाइस ऑल वेल। इस वीडियो में बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज कवर करने वाला हूँ, जैसे कि संजय रावत वाई सिक्योरिटी के बारे में कुछ चीजें बताया। आज सुबह सुबह कंगना रनौत बॉम्बे छोड़ के उसके घर मनाली में जा रहा है, उसके बारे में भी एक ट्वीट किया। और टीपी लहर लेके एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया, जो कि अजय देवगन के ऑपोजिट में कौन रहेगा अब एक खुलासा हो गया। तो उम्मीद करता हूँ पूरी वीडियो देखने के लिए, और अच्छा लगे तो चैनल को भाई प्लीज सब्सक्राइब करके घंटी बजा देना, क्योंकि मैं ऐसी पूरी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की खबरें इस चैनल में कवर करता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट संजय रावत। संजय रावत एक बहुत बड़ी चीज उठाया, जो कि कंगना रनौत को वाई सिक्योरिटी केंद्र सरकार से मिला है। आज तक एक छोटा सा इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये कंगना रनौत जो चीजें वाई सिक्योरिटी मिल रहा है, तो किस वजह से उसको मिल रहा है ये थोड़ा खुलासा कर दिया। उन्होंने बोला कि बीजेपी किस तरह से कंगना के पीछे है और इसके अंदर जो राजनीति चल रहा है उसको ये भी मालूम है। उन्होंने और भी बोला कि अगर हिमाचल प्रदेश की कोई लड़की को अगर जेड सिक्योरिटी चाहिए तो क्या केंद्र सरकार उसको देगा, या आम आदमी को पॉकेट की पैसे से ये वाई सिक्योरिटी मिल रहा है कंगना रनौत को। आज तक के छोटा सा इंटरव्यू में ये सब चीजें उन्होंने उठा के लेके आया। वैसे दोस्तों, आज सुबह सुबह ही कंगना रनौत मुंबई छोड़ के जा रहा है मनाली उसके घर, जहाँ पे कल ही उन्होंने गवर्नर के साथ मिलने के लिए गया था और काफी अच्छा खुश थे उन्होंने। वही आज बॉम्बे छोड़ के जा रहा है खुद के घर, थोड़ा इमोशनल दिखा दिया कंगना को। उन्होंने ट्वीट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जस्ट अ थॉट, आई फील चिल्ड्रन आर कैपेबल ऑफ थिंकिंग एंड फीलिंग वे मोर देन वी एश्योर। व्हेन ही इज लॉस्ट इन थॉट लाइक दिस आई वंडर व्हाट इज ही फीलिंग। लेकिन उन्होंने ये पोस्ट किया और ये लिखा कि वो महसूस कर पा रहा है कि उन्होंने ख्यालों में डूबे हैं, जैसे बच्चे की तरह। पिछले दिनों में उनके साथ जो जो हुआ वो वही सब कुछ रिलेट करते करते ये ट्वीट किया। वैसे आप लोगों को पता है पिछले दिन क्या क्या हुआ कंगना के साथ, उसके ऑफिस तोड़ा, मुंबई एयरपोर्ट में विरोध किया, तो दोस्तों सुबह सुबह निकल गया कंगना रनौत उसके घर मनाली। अगर कंगना रिलेटेड कोई खबर आएगा मैं जरूर कवर करूंगा। लेट्स टॉक अबाउट टिपिलर। एसएस राजमौली के डायरेक्शन में बनी है टिपिलर फिल्म में दिखाई देगा रामचरण, एनटीआर, आलिया भट्ट और एक हॉलीवुड एक्ट्रेस एलिसन डडी। दोस्तों आप लोगों को पता ही कि अजय देवगन भी इस फिल्म से जुड़े हुए, जैसे कि पिछले दिन ही खबर आए थे अजय देवगन को भी दिखाई देगा टिपिलर फिल्म। दोस्तों काफी फैन के अंदर ये क्वेरीज था कि अजय देवगन के ऑपोजिट में कौन दिखाई देगा। अब दोस्तों ये खबर सामने आ रहा है कि अजय देवगन के ऑपोजिट में दिखाई देगा सीरिया शाहन, जो कि दोस्तों दृश्यम फिल्म में भी दिखाई दिया था अजय देवगन के ऑपोजिट में। दोस्तों आप लोगों को बता दूं ये काफी तमिल में फिल्म करता है, जैसे कि शिवाजी फिल्म में रजनीकांत के ऑपोजिट में दिखाई दिया था, आवारापन फिल्म में भी दिखाई दिया था सीरिया शाहन को। पता है ये टिपिलर लेके लोगों के अंदर कितना एक्साइटमेंट है, जैसे कि एसएस राजमौली जैसे फिल्म करता है तो एक्साइटमेंट ऐसे बन जाते हैं। तो आपका क्या राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फिल्मी गाइड। टेक केयर, बाय बाय।